Hello friends, this is Arun Kumar Singh and today we are going to talk about fear and phobia of any type. Examination fear ho ya kisi subject ka fear, especially mathematics and science ka fear dekha gaya hai. So friends, examination time hai aur bachcho mein jinhe examination fear hai and examination phobia hai, unhe dar lagna shuru ho gaya hai. And they have started taking this as a fearful condition. उन्हें एग्जाम का डेट जितना नजदीक आते जा रहा है वो डरना शुरू कर दिए हैं और उनका उनकी परेशानी बढ़नी शुरू हो गई है. एंड जनरली देखा गया है जिन बच्चों को ज्यादा fearful condition होता है, they develop some negative condition in their body also. उन्हें हेडेक होना शुरू होता है, उन्हें फीवर हो जाता है, उन्हें एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट हो जाते हैं, किसी किसी बच्चों के तो ब्लिस्टर्स आ जाते हैं. दिस इज फोबिया, इट नीड टू बी अटेंडेड. ये जितनी जल्दी इसका सॉल्यूशन निकाल लिया जाए उतना ही अच्छा होगा, बिकॉज इट इज गोइंग टू इंपैक्ट आवर मेंटल एंड सोशल, मेंटल एंड इमोशनल लाइफ. ये हमें इमोशनल एंड मेंटल लेवल पे ये ब्लॉकेजेस होते हैं जिसके कारण ये फियर और फोबियाज होते हैं. उसके कुछ रीजन है. पहला रीजन है कुछ पैटर्न्स अपने पेरेंट्स में होता है, नेगेटिव पैटर्न्स होते हैं जो कि इधर उधर पेरेंट्स दे आर फियरफुल ड्यूरिंग देयर एग्जामिनेशन टाइम, या उन्हें किसी सब्जेक्ट में डर लगता था और वो बार बार ये अपने बच्चों से शेयर करते हैं. मैं भी मैथ्स में ऐसे डरता था, मैं भी साइंस में ऐसे डरता था, मुझे भी एग्जामिनेशन से बहुत डर लगता था. ये आपके बच्चे आपको कॉपी करते हैं, वो सीख जाएंगे और ये सबकॉन्शियस लेवल पे चले जाएगा, तो सबकॉन्शियस लेवल पे फियर में कन्वर्ट हो जाएगा. एंड दिस इज व्हाट इट इज हैपनिंग. एंड बच्चों का नेगेटिव ब्रांडिंग भी टीचर्स के द्वारा या क्लासमेट के द्वारा नेगेटिव ब्रांडिंग हो जाता है. तुम्हें मैथमेटिक्स नहीं आता, तुम्हें साइंस नहीं आता, यू कैन नॉट डू, यू आर डम. सो फ्रेंड्स, हमें इससे बचना पड़ेगा. एंड ये हमारे पास फेलियर भी यहां पर चले आते हैं. कभी ना कभी हमने मार्क्स कम स्कोर किया, मैथमेटिक्स या साइंस में कम स्कोर किया, तब भी ये नेगेटिव बिलीफ्स बन जाते हैं. एंड फ्रेंड्स, देयर आर लॉट ऑफ अदर थिंग्स आल्सो. एंड सबसे ज्यादा लिमिट सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ्स भी परेशान करते हैं. एंड जो सबसे बड़ी चीज उभर के आई है वो है डिसइंटरेस्ट इन स्टडीज एज वेल एज डिसलाइकिंग ऑफ द टीचर्स. फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप किसी व्यक्ति को पसंद नहीं करते हैं तो उसके बनाए हुए अच्छे फूड भी आपको अच्छे नहीं लगते हैं. उसी तरह से स्कूल का सबसे बेस्ट टीचर अगर आपको मैथ्स या साइंस पढ़ा रहा है तब भी आपको अच्छा नहीं लगा, बिकॉज यू डोंट लाइक दैट टीचर. और बहुत से स्कूल में तो ऐसा देखा गया है, बच्चे स्कूल को ही पसंद नहीं करते हैं और स्कूल को नहीं पसंद करते हैं जिसके कारण सारे सब्जेक्ट में उन्हें प्रॉब्लम होता है. सो फ्रेंड्स, ये हमारे पेरेंट्स की जिम्मेवारी बनती है, हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हम बच्चों को सबसे पहले स्कूल को प्यार करना सिखाएं और स्कूल के बाद टीचर्स को प्यार करना सिखाएं और वो अपने फैमिली मेंबर्स को, सभी को प्यार करें, सभी को इक्वल इंपॉर्टेंस देंगे, सभी सब्जेक्ट को इक्वल इंपॉर्टेंस देंगे, ये फियर अपने आप चले जाएगा. अगर ये फियर आप में आ गया है तब हम इसे ठीक कर सकते हैं बाय डूइंग द सिस्टमेटिक स्टडी प्लान. मतलब हम एनएलपीर एंड माइंड पावर ट्रेनर इस समस्या का समाधान परमानेंटली दे सकते हैं. तो फ्रेंड्स, इफ यू हैव एनी इश्यूज ऑफ फियर एंड फोबिया and if you are in Delhi NCR, you can get in touch with us on our number given here and we'll provide you the solution. Examination ka samay hai, aap apne bacche ko fear and phobia se jitni jaldi bahar nikal lenge utna hi acha rahega. So friends, agar aap Delhi NCR se bahar hain, online solution is also possible. But in Delhi NCR, we can give solution in one-to-one basis. Thank you. Thank you very much.